स्वामी जी, क्योंकि हम जेनेटिकली बीमारियों के ट्रांसफर को रोकने की आज बात कर रहे हैं, शुगर की बात हुई, डायबिटीज की, बीपी की बात हुई, अब एक और परेशानी है एस्थमा। एस्थमा भी हेरिडिटी है, यानी कि जेनेटिकली ट्रैवल करती है। तो कौन कौन सी रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, खान पान में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि एस्थमा की ये बीमारी जो हेरिडिटरीली ट्रांसफर होती है जेनेटिकली, वो ना हो और इससे बचा जा सके। अस्थमा जो हेरिडिटी ट्रांसफर हो रहा है मेरी बहन जी, उसके लिए एक तो भुजंगासन जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, और एक एक गोमुखासन, और फिर हो जाए तो उष्ट्रासन भी कर लेंगे, और इसको भी भस्त्रिका के साथ करें। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैंने लोगों का 50-50 साल पुराना जेनेटिक अस्थमा, दो दो तीन तीन पाँच पाँच पीढ़ियों से चल रहा था, जिसको जितना स्मरण था, और वो ठीक कर दिया। और जो इतना भी ना कर पाए, भुजंगासन, गोमुखासन, उष्ट्रासन आदि भी ना कर पाए, उनको मात्र प्राणायाम से ही ठीक कर दिया। और साथ में ही अब ये जो लंग के एल्वोलाइज, ब्रेन के न्यूरोन्स, किडनी के नेफ्रोन्स आदि पर, और एक एक सेल जीन्स पर जो असर पड़ते हैं, अब ये फेफड़े पर क्या जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्या म्यूटेशन होगा हमारे एल्वोलाइज पर, जो हमारे फेफड़े के एल्वोलाइज हैं उनके अंदर म्यूकोसिक्रेशन होता है, और म्यूकोसिक्रेशन के जो जीन्स हैं अगर उसमें म्यूटेशन हो तो वो ज़्यादा खराब हो जाता है, उसकी वजह से अस्थमा की हालत। तो एक बात ये भी ना कि भाई जो है, चलो मैं एक काम नहीं कर रहा था डॉक्टर साहब का, तो मैं बोल देता हूँ कि ये जो हमारे एल्वोलाइज हैं फेफड़ों के, वो यदि, एक तो देखो सीधी सी बात है, जेनेटिक एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होने से उसमें जीन्स में, प्रोटीन्स में, आरएनए डीएनए में वो एक तरह की कमजोरी आ जाती है, वो जैसा उसको काम करना चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, नेचुरल जो ऑर्डर से में नहीं रहे, तो वो फिर वही डिसऑर्डर, चाहे उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलो, कुछ भी नाम दे दो आप, ऐसे में जब भस्त्रिका करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट और बढ़ जाता है। हाँ। जैसे कोई, जैसे छोटा सा प्रदूषण शायद लोगों को उतना परेशान नहीं करता, पर जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, जेनेटिकली जिसको पहले ही म्यूटेशन हो रखा है, रॉन्ग डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो रखा है, तो उन पे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा धुआं, उनको तो जो है वो जरा सा रत्ती भर भी, मैंने तो देखा लोगों को तो अगरबत्ती का धुआं भी अंदर जाते छीकम छी, जरा सा पेड़ पौधों के, अब ये जो इनके पर फूल आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, परागकण, पोलन काउंट्स, पोलन, तो बोले पोलन एलर्जी हो गई। अब हम तो पेड़ पौधे देखते हैं, हम तो राजी होते, खुश होते हैं। और जिनका पहले से ही कफ कोल्ड अस्थमा है, जैसे बता रहा था हमारा आर्यमन कि बाबा जी मेरी तो बुरी हालत थी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड, यहाँ तीन दिन में आकर के ठीक हो गया। अब हमको तो धूल भरी आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ती, हम तो आंधी में बीच में घुस जाते हैं, आंधी में, तूफानों में, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, प्राण भले ही जाए सतपथ सेना, डिगना है अभी तो और संभलना है, ऋषिदानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अब भस्त्रिका करें, अब थोड़ा, अब ये तो मैंने जोर से कर दिया, जिनको जेनेटिक के लिए फेफड़े वीक है ना, तो इतना नहीं कर पाते, धीरे धीरे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जायी भी कराते हैं, खाली पे ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासरी या स्वासरी गोल्ड दे देते हैं, स्वासरी को हाथ पिला देते, दूध में हल्दी चला देते, चरणप्राश करा देता, हाथी के तरह दौड़ता है आदमी, घोड़े की तरह, शेर की तरह दौड़ता है, धाड़ता है, नहीं तो मरे जा रहे लोग। और फिर वो इनहेलर ले ले करके जो है फेफड़ों को फैलाने की कोशिश करते हैं कृत्रिम तरीके से, अरे क्यों फैलाना जो है, ये सब नकलीपना है, से शंख बजाओ, भस्त्रिका करो, शंखनाद करो योग का, और फिर देखो कहाँ अस्थमा कफ कोल्ड रहेगा मेरी बहन। और हाँ, कफ की तरह वात, मैंने तो देखा तीन तीन पांच पांच पीढ़ियों से, और अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी जोवेनियल आर्थराइटिस, लो अब ये बैठी है इधर,
मुस्कुरा रही है सीमा, इसकी माँ को भी दर्द है, बेटी को भी दर्द, आगे तुम्हारी बच्चों को दर्द से बचाना है तो योग करवाना शुरू कर दो, और योग डेली कराओ और पूरा कराओ, ये आधा अधूरा नहीं, कम से कम 5 मिनट, 1 से 5 मिनट आसन, 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति को जेनेटिकली एक्सप्रेस होने की कोई बीमारी की संभावना, वात पित्त कफ दोषों के, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस के, कैंसर आदि के, तो 10 मिनट आसन, और सामान्य व्यक्ति को 5-5 मिनट भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कराते हैं तो वो स्वस्थ रहता है। जेनेटिक एक्सप्रेशन है होने की संभावना है तो फिर क्या करें, तो फिर आधा आधा एक एक घंटे तक करा देते, तो मात्रा बढ़ा दी स्वामी जी, और ये जेनेटिक बीमारियों के चैन हमने तोड़ दी है। तोड़ दीजिए स्वामी जी, एक और तोड़ दीजिए आर्थराइटिस का, जिसका आपने जिक्र किया है, एक सन्यासी के अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।